लिखा है, उसमें 45 नंबर एंड 49 नंबर का जो तिरकरुण है उसमें उन्होंने साफ बताया है, अनबुम अरण्यम उड़ेताइन इल वाल्कई पनबुम पयनुम अद, यानी प्रेम युक्त गृहस्थ धर्म हो तथा धर्म से पूर्ण यह गृहस्थ जीवन हो तो समझो उसका जीवन धन्य है, परिपूर्ण है। और 49 में उन्होंने ये बात बताई वापस एक बार, आरण्यम्ब पट्टदई इल वाल्कई आत्तुम पिरन पड़ीपद इलाइन नन्र, यानी यह जीवन है गृहस्थ का, यह धर्म है और यदि वह अच्छा है, परिपूर्ण है, निंदा से दूर है तो उसको और किसी धर्म की परिपालना की, उसको पालन करने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा जी ने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया है, उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इस मौके पर आनंद तीर्थ ट्रस्ट की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ, खास करके आज के मुख्य अतिथि श्री रंगनाथन जी जो कि चेयरमैन एंड MD केविन केयर के है। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ आनंद तीर्थ, थैंक यू। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रेम पेरन रोटरियन गवर्नर, आई वेलकम यू मिस्टर प्रेम पेरन। आई एम ऑल्सो पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ मैलापुर, सो इट्स नाइस टू वेलकम ए रोटरियन विथ रोटरी। मैं उसी के साथ अपने अरुण जी जैन जो कि जाना माना नाम है, उनके बारे में तो क्या मैं बताऊं, हम सब जानते हैं। बट मेरी जो सोच है, ये जो कंपनी है इंटेलिक्ट डिज़ाइन, वो हिंदुस्तान की माइक्रोसॉफ्ट बनने जा रही है थोड़े ही सालों में, ये मेरी सोच है। अरुण जी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। आई वेलकम यू अरुण जी ऑन बिहाफ ऑफ आनंद तीर्थ ट्रस्ट, और साथ में हमारे आनंद तीर्थ के ट्रस्टी सुवालाल जी साहब करनावट और सभी पधारे हुए अतिथि गौतम जी जी कांगरिया, AMK के सेनापति, सभी ट्रस्टियों का, आनंद तीर्थ के ट्रस्टियों का, पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं आनंद तीर्थ की ओर से भावपूर्वक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कपल इंग्लिश और हम दंपति हिंदी। आज गुरुदेव के चरणों में इस पुस्तक को रखते हुए कर्नावट परिवार कितना हर्षित है। प्रियम नमन, आप लोग गुरुदेव से किताबें लेके आइए और हमारे Ladies and gentlemen, it's indeed a great pleasure to be with you all and share some of our experience, marriage experience. We are very clear, I think like any couples, we had a lot of fights. It's all very common. I think without fight, life won't be tested. Very important, we believe so. But one thing myself and my wife was always very, very clear is that we should rest, built on our marriage institution. The foundation should be on
love and affection. Everything else is secondary. And that's what we say. It's very important. Let's build it on love, affection and trust. Money, intelligence or anything, male chauvinism, nothing comes into place. There is nothing, no place for any other thing. It is purely love, affection and trust. We got married in the year 1987. It is now 31 years of marriage. I'm very happy to say that we traveled a long, long way. And I must say that the institution is so strongly going. I must credit my partner and my spouse, Tenmuri. And she was very clear. She set up some basic rules. I used to very liberally share whatever anything ask kind of this thing. She said one thing very clear. Whatever differences amongst us, remains within the four walls of the bedroom. It shouldn't go out. It's a very fundamental thing. Not to your parents or anybody outside, friends. Nobody should. We should resolve it ourselves. Believe me, honestly, in the last 31 years, we have not gone outside to even my mother or her parents or friends for any resolutions for ourselves. We ensured that it got resolved amongst ourselves. I must thank her. She